तो कितनी स्पाइसी बनी है आप देखने से अंदाजा आपको लग गया होगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झींगा की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 3 झींगा लिया है, जिसका कि वेट लगभग 300 ग्राम के आसपास है। तो उसे हम पहले इस प्रकार से हम छील लेंगे किसी छीलने की मदद से, और उसके बाद हम सारे झींगा को हम इस प्रकार से छील के उसके बाद हम इसे धोएंगे पानी से। तो छीलने के बाद ही हम पानी से धोएंगे इसे। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसे साफ़ कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे काटने के प्रोसेस में। तो हम दोनों साइड से इसके साइड वाले हिस्से को काट के निकाल देंगे, उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से इसका शेप देंगे। तो देखिए, हमने इस प्रकार से इसका शेप दिया है, बिल्कुल गोल गोल पतले पतले भागों में काटा है इसे। आप चाहे तो इसे दो बीच से चीरा लगा के भी काट सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो हमने इस प्रकार के शेप में काटा है। उसके लिए हमने 2 बड़ी साइज़ का प्याज लिया है और 2 बड़ी साइज़ का टमाटर। प्याज को हमने इस प्रकार के शेप में कुछ काटा है, और 4 से 5 हमने हरी मिर्च लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे, और तेल को हम इस प्रकार से फैला देंगे, थोड़ा सा हीट जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें खड़ा जीरा ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच, और उसे हल्का सा रोस्ट करके हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को हमने 2 भागों में काटा था, तो इस प्रकार से हमने शेप में काट के इसे इसमें डाला है। और तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अब हम मिर्च डालने के बाद हम इस झींगा को डालेंगे। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। हम झींगा की मात्रा कम और प्याज और टमाटर की मात्रा ज़्यादा डाल के इसे बनाएंगे, ताकि जो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस इसका टेस्ट लगे, बहुत ही ज़्यादा ये खाने में बढ़िया लगे। तो उसके बाद हम चलाने के बाद इसे हम कवर करके पकाएंगे फ्रेंड्स। तो एक बार हम यहाँ पे मीडियम टू हाई पे पका लेंगे कवर करके, लगभग 3 से 4 मिनट। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसका कलर हो जाएगा। ये देखिए, एक तरफ से ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इसी स्टेज पे हम प्याज डाल देंगे। तो ये प्याज डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि इसमें जो हम आज बनाएंगे सब्ज़ी, वो झींगा कम रहेगा और प्याज और टमाटर ज़्यादा, तो इसका फ्लेवर ही कुछ और होता है। इस प्रकार से आप अपने घर पर एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, झींगा को हम लोग अपने क्षेत्रों में झिंगली नाम से भी जाना जाता है, तो गांव में इसे ज़्यादातर झिंगली ही बोलते हैं। तो प्याज डालने के बाद हम इसे इस प्रकार से कवर करके फिर से इसे चलाएंगे। तो देखिए, प्याज का भी कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखिए, ये बिल्कुल कलर चेंज हो गया है प्याज का और झींगा का भी। तो इस प्रकार से हम हल्के हाथों से इसे प्रेस करके सारे प्याज के भागों को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ नमक डाल के इसे मिला के उसके बाद भी हम टमाटर ऐड कर लेंगे। तो इसी स्टेज पे हम इसे भी मिलाएंगे। तो आप इस प्रकार से अपने घर पे फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो टमाटर मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे और इसे मीडियम टू हाई पे पकाएंगे, क्योंकि हमने नमक पहले ही डाल दिया, तो ये थोड़ी सी पानी भी छोड़ देगा। आप इसी प्रकार से थोड़ी सी चला के और हाथों से प्रेस कर दें, ताकि टमाटर हमारा जो है पकने के बाद अच्छे से मिल जाए। तो अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में फ्रेंड्स हमने हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर 3 1/2 चम्मच डाला है। आप मसाले अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मसाले डालने के बाद हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट भुनेंगे। उसके बाद ये देखिए, भुनने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका कलर आया है। तो ये देखिए, मसाला हमारा भुन गया है। तब हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे थोड़ी सी। पानी को आप अपने हिसाब से रखें, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें, हालांकि इस प्रकार की सब्ज़ी में ज़्यादा पानी ठीक नहीं लगता है, तो आप पानी का कम ही यूज़ करें। तो पानी डालने के बाद फ्रेंड्स हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए, इसका कितना बढ़िया ये कलर आया है। तो हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच,
तो ये देखिए कलर भी कितना बढ़िया ये आया है इसका। और गरम मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारी फाइनली झींगा की सब्ज़ी बन के तैयार है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका ये कलर भी आया है सब्ज़ी में, तो है ना ये बिल्कुल चटकदार। तो आप भी इस प्रकार की रेसिपी फ्रेंड्स अपने घर पे एक बार बना के जरूर ट्राई करें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।